नमस्कार सभी लोगों को। मैं उपेन सर, केमिस्ट्री फैकल्टी। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे FST टेस्ट 18 का, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने गलत किए हैं। तो क्यों गलत किए हैं, आइए देखते हैं। देखिए लिखा हुआ, हमारा मिशन है कि अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। हमारे आदरणीय डॉक्टर SP सिंह सर के निर्देशानुसार इसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और आगे भी हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे। तो देखिए आगे देखते हैं। देखिए केमिस्ट्री का पेपर, केमिस्ट्री का 10 का दम है, 10 का दम ऑल इंडिया फुल सिलेबस टेस्ट FST 18 की बात करेंगे। तो देखिए 52 नंबर क्वेश्चन को कितने बच्चों ने गलत किए हैं। देखिए 1218 स्टूडेंट ने गलत किए हैं। तो क्यों गलत किए हैं, आइए देखते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, प्रोपाइल बेंजीन रिएक्ट विथ ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट आर हीट टू गिव। इसका मतलब क्या पूछा गया है, प्रोपाइल बेंजीन, अगर प्रोपाइल बेंजीन की हम लोग बात करते हैं तो क्या होगा। देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे CH2, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग CH2, और लिख दें हम लोग क्या यहाँ पे CH3। प्रोपाइल बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ कराएं हम लोग, प्रेजेंस ऑफ लाइट या HNU सनलाइट और या Br2 की प्रेजेंस में। तो देखिए अगर Br2 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो देखिए HNU सनलाइट क्या होता है आपका, वहां पे जुड़ेगा जहाँ पे मोस्ट स्टेबल क्या बनेगा, मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो देखिए अगर मान लीजिए हम यहाँ पे जोड़ते हैं तो क्या बनेगा आपका, 1 डिग्री बनेगा। अगर 1 डिग्री बनता है ब्रोमीन जुड़ेगा तो लीस्ट स्टेबल होगा, यहाँ जुड़ेगा तो क्या बनेगा आपका, तो क्या बनेगा ब्रोमीन। अगर ब्रोमीन यहाँ पे जुड़ेगा तो क्या बनेगा आपका, मोर स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम लोग बात करेंगे कि क्या बनेगा, तो देखो आपका यहाँ बेंजीन होगा, यहाँ पर CH, और यहाँ पर लिख दें हम लोग क्या CH2, यहाँ पे क्या जोड़ते हैं हम लोग CH3, और यहाँ पे क्या जोड़ दिया हमारा Br। तो देखिए पूछ रहा क्या कि कौन ब्रोमिनेशन कराएंगे तो क्या बनेगा, प्रेजेंस ऑफ लाइट के प्रेजेंस में तो क्या बन जाएगा आपका, देखिए आपका यही प्रोडक्ट आपका फॉर्मेशन आपका होगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें, देखिए आपका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 59 में क्या दिया हुआ आपसे, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एमंग द फॉलोइंग कंपाउंड द ऑप्टिकली एक्टिव एल्केन गिव्स लोएस्ट मॉलिकुलर मास। तो लोएस्ट मॉलिकुलर मास की बात, ऑप्टिकली आपका क्या होना चाहिए, आपका एक्टिव होना चाहिए। ऑप्टिकली एक्टिव सबसे पहले आपको समझना है ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है। तो आपको ये समझना है ऑप्टिकली एक्टिव की बात करेंगे तो जो नॉर्मल ब्यूटेन है इसमें ऑप्टिकली एक्टिव नहीं बनेगा। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब ये होता है कि एक कार्बन से जुड़े हुए चारों ग्रुप डिफरेंट हो, वह कायरल कार्बन होना चाहिए। कायरल कार्बन क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन होता है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग स्ट्रक्चर देखें, देखिए लिखा हुआ ये भी देखिए आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन में भी नहीं होगा आपका, आपका क्या 3-मिथाइल हेक्सेन करेंगे। देखिए 3-मिथाइल हेक्सेन की बात करते हैं, देखिए 3-मिथाइल हेक्सेन की बात करेंगे तो देखो क्या होगा आपका, एक ग्रुप यहाँ है, एक ग्रुप यहाँ है, यहाँ पे H है, आपको देखो 3-मिथाइल हेक्सेन, देखिए ग्रुप आपका यहाँ है, यहाँ पे देखो कहा जाए तो क्या वो 3-मिथाइल हेक्सेन, तो 3-मिथाइल हेक्सेन की बात करें, और यहाँ पे क्या देखो, देखो 2-साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन, देखिए 2-साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन, तो 2-साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या दिया आपका H, और यहाँ पे क्या दिया कार्बन, यहाँ पे क्या दिया आपका इथाइल दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर ये क्या आपका कायरल कार्बन है, यहाँ पर क्या दिया आपका, देखिए यहाँ पर भी कायरल कार्बन है, यहाँ पर भी कायरल कार्बन है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है, लोएस्ट मॉलिकुलर मास, इन दोनों में लोएस्ट मॉलिकुलर मास किसका होगा, तो लोएस्ट मॉलिकुलर मास किसका होगा आपका, 2-साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन का लोएस्ट मॉलिकुलर मास होगा। कि यहाँ पर भी कायरल कार्बन बन रहे हैं और आपका कायरल कार्बन यहाँ पर भी बन रहा है, लेकिन लोएस्ट मॉलिकुलर मास होगा जो ऑप्टिकली एक्टिव एल्केन का फॉर्मेशन करेगा, तो कौन होगा आपका, 2-साइक्लोप्रोपाइल और क्या होगा आपका ब्यूटेन, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते, देखिए कितने बच्चों ने गलत किए हैं, 1111 एक 1100 बच्चे, 1111 बच्चों ने गलत किए हैं, तो ये हमारा गलत नहीं होना चाहिए था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है, 68 क्वेश्चन को 993 स्टूडेंट ने गलत किए हैं। तो क्या क्वेश्चन में पूछा गया है, इन ट्राइमर फ्रॉम ऑफ देखो सल्फर ट्राई ऑक्साइड ईच सल्फर एटम इज बॉन्डेड विथ,
इसका मतलब ट्राइमर करा रहे हैं, इसका मतलब क्या बोलेंगे, सल्फर ट्राई ऑक्साइड। क्या दिया आपका है, सल्फर ट्राई ऑक्साइड। तो SO3 को हम लोग क्या करा दें, एन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, और एन की वैल्यू क्या लिख दें हम लोग, 3 लिख दें। तो अगर एन की वैल्यू 3 लिखते हैं तो क्या बन जाएगा आपका, S3 और क्या बन जाएगा आपका, O9 हो जाएगा। और S3O9 है तो इसका स्ट्रक्चर पूछेगा कैसे बनेगा, देखिए स्ट्रक्चर हम लोग कैसे बनाते हैं, यहाँ पर सल्फर, यहाँ पर सल्फर, और आपका यहाँ पर सल्फर होगा। एक इसमें ऑक्सीजन आप ऐसे जोड़ दीजिए, इसके साथ एक ऐसे जोड़ दीजिए, और एक ऑक्सीजन को इनके साथ जोड़ दीजिए। यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ इनको ऐसे जोड़ दीजिए, डबल बॉन्ड के साथ इनको ऐसे जोड़ दीजिए, डबल बॉन्ड के साथ इनको ऐसे जोड़ दीजिए, और आप ऐसे जोड़ दीजिए। देखिए एक सल्फर के साथ 4 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं। देखिए एक सल्फर हमारा है, यहाँ सल्फर है तो कितने जुड़े हुए हैं, 1 2 3 4। तो देखो क्या होगा आपका, 4 ऑक्सीजन एटम इसे एसोसिएट होगा, आपका जुड़ा रहेगा। तो आंसर क्या होगा आपका, 4 ऑक्सीजन एटम क्या होगा इसमें, एसोसिएट होगा। तो देखिए कितने बच्चों ने गलत किए हैं, 993 स्टूडेंट ने गलत किए हैं, ये हमारा गलत नहीं होना चाहिए। दो का लिखा हुआ है तो आपको समझना है कि कितने क्या बोलेंगे, कितने एटम बॉन्डेड हो रहे हैं ऑक्सीजन के, देखो सल्फर के साथ 1 2 3 और 4, इसके साथ 1 2 3 और 4, इसके साथ 1 2 3 और 4, ठीक है ना। तो अगली बार अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप गलती ना करें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 83 की बात करते हैं हम लोग हैं। देखिए क्या दिया हुआ है 83 में, क्वेश्चन पूछा है कि द एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव डेविएशन ऑफ, तो देखिए ये जो क्वेश्चन आपका है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग हमेशा याद करना चाहिए। पॉजिटिव डेविएशन, निगेटिव डेविएशन, ये सब हमारा हमसे पूछता रहता है, पॉजिटिव डेविएशन और निगेटिव डेविएशन। तो देखिए यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन की बात करते हैं तो आपको एग्जाम्पल याद ही होना चाहिए कि क्या इथाइल एल्कोहल एंड जो वाटर होता है, इथाइल एल्कोहल एंड जो वाटर होता है वो क्या होता है हमारा, पॉजिटिव डेविएशन होता है। क्या बोलेंगे, पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन होता है। यही क्वेश्चन पूछ रहे कि निगेटिव डेविएशन कौन सा होता है, तो क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निगेटिव डेविएशन, निगेटिव डेविएशन होता है। तो देखिए क्या पूछा आपसे, पॉजिटिव डेविएशन पूछा है, तो क्या जानेंगे आप, इथाइल एल्कोहल एंड वाटर क्या होगा आपका, निगेटिव डेविएशन होता है, ठीक है ना। देखिए ये 28 स्टूडेंट ने गलत किए हैं तो ये हमारा गलत नहीं होना चाहिए था, ये याद करने वाला क्वेश्चन है, अब इसको लर्न कर लीजिएगा। क्योंकि क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन क्या होता है, निगेटिव डेविएशन के एग्जाम्पल होते हैं, इथाइल एल्कोहल एंड वाटर किसका होता है आपका, पॉजिटिव डेविएशन के एग्जाम्पल्स होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 81 है, क्वेश्चन 81 में क्या पूछा गया है, ध्यान सुनिएगा, पूछा गया है E1, E2 एंड E3 आर द EMF वैल्यू ऑफ द 3 गैल्वेनिक सेल रिस्पेक्टिवली। यहाँ ये 3 गैल्वेनिक सेल आपके दिए हुए, पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें कौन सा ट्रू होगा। तो एक फार्मूला होता है ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0591 अपान एन लॉग, क्या होगा आपका, जेड एन प्लस 2 ऑब्लिक सी यू प्लस का। इसी फार्मूले पर हम लोग आएंगे, तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि जेड एन प्लस 2 ऑब्लिक सी यू की बात करेंगे तो किसकी, देखो पूछा कौन सा ट्रू होगा, कौन सी वैल्यू इसमें क्या ट्रू वैल्यू होगी। देखिए यहाँ पे इसको क्या माना गया है, 3 मान लिया गया है, इसको 2 और इसको क्या मान लिया गया है, 1 में। तो देखिए अगर जेड एन प्लस 2 में हो रहा और सी यू प्लस 2 सी यू में जा रहे हैं, देखिए जेड एन प्लस 2 में जा रहे हैं तो इसकी वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखो यहाँ पे देखिए जेड एन प्लस 2 तो क्या हो रहा है आपका, 0.01, यहाँ क्या आपका 1 है, तो 0.01 यहाँ लिखेंगे 0.1 यहाँ पे 1 लिखेंगे तो क्या होगा आपका, माइनस 0.1 क्या होगा आपका, 10^-1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, सबसे ज़्यादा हो जाएगी। और E3 के बाद देखो यहाँ पे देखेंगे 1 और 1 है तो यहाँ पे क्या होगा आपका, 1 1 है तो क्या होगा आपका, लॉग 1 की वैल्यू क्या होगा, 0, तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, तो ई सेल ई नॉट सेल के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या बोलेंगे, E3 की वैल्यू यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगी, फिर E2 का, और E1 की बात करें तो देखो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे ZN प्लस 2 की वैल्यू 1 दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया, 0.1 दिया हुआ, तो अगर यहाँ पे 0.1 है तो 10^-1 ऊपर जाएगा क्या होगा आपका,
10 हो जाएगा, और 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो जो ही वैल्यू होगी इसमें से क्या करेंगे घटाएंगे, तो जो घटाएंगे वो वैल्यू क्या होगी हमारी कम हो जाएगी। तो इस वजह से क्या होगा आपका E3 की वैल्यू सबसे ज्यादा, फिर E2, फिर क्या होगा आपका E1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे E3, E2 और क्या होगा आपका E1 हो जाएगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को 768 स्टूडेंट ने गलत किए हैं, तो इसी फार्मूले के बेसिस पे हमको लगाना है और इसकी वैल्यू देखना है किसकी वैल्यू ज्यादा होगी और किसकी वैल्यू हमारी कम हो रही है, ठीक है ना। इस फार्मूले को याद कर लीजिएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपान यन लाग प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट। अब यहाँ पे यन की वैल्यू क्या होती है, जितनी वैल्यू क्या करेंगे आप लोग आपके डेफर नंबर में जो चेंजेज होते हैं, ठीक है ना। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 91 क्वेश्चन को 766 स्टूडेंट ने गलत किए हैं, तो ये हमारा गलत नहीं होना चाहिए था। देखिए क्या पूछा गया है, स्ट्रांगेस्ट बेस की बात करते हैं, तो स्ट्रांगेस्ट बेस हमेशा देखिएगा एनी, अगर सब में क्या दिया आप देखो यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे NH, यहाँ पे NH, यहाँ पे NH, यहाँ पे ऑक्सीजन दिया, आप याद रखिएगा एलिफैटिक एमीन कि ये बेसिसिटी क्या होती है ज्यादा होती है किससे, एरोमेटिक एमीन से। एलिफैटिक एमीन की बेसिसिटी ज्यादा होती है किससे, एरोमेटिक एमीन से। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे क्या आपका है एलिफैटिक एमीन, ये भी देखो यहाँ पे कंजुगेशन में आ गया है, तो ये एरोमेटिसिटी को देखा जाएगा। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नाइट्रोजन तो है लेकिन पहले से क्या है एरोमेटिसिटी है, तो एलिफैटिक एमीन की बात करेंगे तो थर्ड क्या होगा यहाँ पे क्या होगा आपका ज्यादा हो जाएगा, यही का आपका स्ट्रांगेस्ट बेस की तरह काम करेगा, स्ट्रांगेस्ट बेस की तरह काम करेंगे, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 51 क्वेश्चन की बात करें हम लोग यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है तो इसको हमको समझना है, क्या समझना है देखिए, दिया हुआ है स्टेटमेंट दिया है, फर्स्ट एंड सेकेंड दिए हुए हैं, तो क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हेन टू आर मोर कंपाउंड डिफर इन द पोजिशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट एटम आर फंक्शनल ग्रुप, मतलब क्या पोजिशन आइसोमर का मतलब ये होता है कि पोजिशन मॉलिकुलर फार्मूला जिसके सेम हो बट डिफरेंट पोजिशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप कामा मल्टीपल बॉन्ड कामा सब्स्टिट्यूएंट आर नोन एज पोजिशन आइसोमर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट आर फंक्शनल ग्रुप ऑन द कार्बन स्केलेटन दे आर कॉल्ड फंक्शनल आइसोमर। नहीं क्या होता है यहाँ पे, क्या होता है आपका पोजिशन आइसोमर, मतलब क्या फंक्शनल ग्रुप का पोजिशन चेंज हो जाए, देखिए क्या हो जाए आपका मल्टीपल बॉन्ड का पोजिशन चेंज हो जाए, सब्स्टिट्यूएंट का पोजिशन चेंज हो जाए, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं पोजिशन आइसोमेरिज्म। और यहां बोला जाए क्या स्टेटमेंट टू का दिया हुआ है, टू आर मोर देन टू कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड पोजिशन, नहीं होता है क्या होता है डिफरेंट अगर फंक्शनल ग्रुप हो जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शन चेंज हो जाए तो क्या बोलेंगे हम लोग फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो आपका स्टेटमेंट फर्स्ट भी गलत हो गया, स्टेटमेंट हमारा सेकंड भी गलत हो गया। तो देखिए क्या दिया हुआ है, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड यहाँ पे इस बोथ स्टेटमेंट एंड बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड क्या होगा आपके इनकरेक्ट हो जाए, तो दोनों यहाँ पे क्या होगा आपके इनकरेक्ट हो गए, तो फर्स्ट ऑप्शन इधर क्या होगा यहाँ पे क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों क्या होंगे यहाँ पे इनकरेक्ट होंगे। यहाँ पे क्या होना चाहिए था आपका पोजिशन, यहाँ पे क्या होना चाहिए था आपका फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। देखिए 738 स्टूडेंट ने गलत किए हैं, तो ये हमारा गलत नहीं होना चाहिए था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 71 क्वेश्चन की बात किया जाए, देखिए 71 क्वेश्चन जो आपका है, क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि क्या इवन बिलो दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो देखियो क्या पूछा, स्टेटमेंट फर्स्ट की बात किया जाए तो बी आर या फाइव आर स्क्वायर प्लेनर, नहीं स्क्वायर प्लेनर नहीं होता है, क्या होता है आपका बताइए स्क्वायर पिरामिडल होता है, क्या होता है स्क्वायर पिरामिडल होता है, और 1 डिवाइड की वैल्यू कितनी होती है 3.3 × 10⁻³ सेंटीमीटर होता है, तो स्टेटमेंट क्या सेकेंड आपका सही हो जाएगा,
स्टेटमेंट फर्स्ट क्या होगा आपका, गलत हो जाएगा। क्यों? देखिए जब इसका हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ब्रोमीन की बात करते हैं तो कैसे बनेगा आपका, हम ऐसे बना दें, यहाँ पे क्या है आपका एक लोन पेयर है, तो आपका स्ट्रक्चर आपका ऐसे बन जाएगा, यहाँ पे क्या है आपका एक लोन पेयर है, जो क्या होगा आपका स्क्वायर, और कैसा बनेगा आपका पिरामिडल शेप, कैसा बनेगा स्क्वायर पिरामिडल शेप, तो इसको आप ऐसे थोड़ा सा बना सकते हैं, स्क्वायर पिरामिडल शेप हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो क्या होना चाहिए आपका, स्क्वायर प्लेनर नहीं स्क्वायर पिरामिडल होना चाहिए था। देखिए स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकेंड क्या होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन थर्ड इज द क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 57 में क्या दिया हुआ है। देखिए 57 क्वेश्चन को बच्चों ने बहुत गलत किए हैं, क्या लिखा हुआ है, वन ऑफ द कॉमन एल्कोहल यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक कीटल ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। देखिए कॉमन मेथड, कॉमन एल्कोहल यूज, कौन सा कॉमन एल्कोहल हम यूज करेंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक कीटल ऑफ, क्या लिखा आपने कार्बोनिल ग्रुप में, तो याद रखिएगा इसमें पूछा गया ऑप्शन कौन कौन सा दिया, ग्लाइकॉल दिया हुआ है, एथेनॉल दिया है, 1,3 प्रोपीन डाई एमीन दिया हुआ है, और ग्लिसराल दिया हुआ है। याद रखिए ग्लाइकॉल को हम लोग क्या बोलते हैं, वन ऑफ द कॉमन क्या बोलेंगे, कॉमन एल्कोहल को साइक्लिक कीटल ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप में हम लोग यूज करते हैं, किसको ग्लाइकॉल को, CH2OH और बोलेंगे हम लोग क्या सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे CH2 पर क्या हो जाएगा आपका OH, ऐसे बना दें थोड़ा सा हम लोग इसको, थोड़ा ऐसे बना दें हम लोग इसको CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH ग्लाइकॉल बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं 1,2 तो क्या बोलेंगे एथेन 1,2 डाईआर, क्या बोलेंगे एथेन 1,2 डाई आर, ठीक है ना, इसी को हम लोग इसको यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है ना। तो कौन सा आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट इज द क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए 641 स्टूडेंट ने गलत किए हैं तो हमारा गलत नहीं होना चाहिए था, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 99 क्वेश्चन की बात किया जाए, देखो कल दिया हुआ आपका यहाँ पे 635 स्टूडेंट ने गलत किए हैं, तो क्यों गलत किए हैं आइए देखते हैं। देखो क्या लिखा हुआ, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द साइज एमंग ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन पे -2 चार्ज, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन पे -1 चार्ज इज, याद रखिएगा साइज की बात करते हैं, साइज की अगर हम लोग बात करते हैं तो साइज की अगर बात करें हम लोग तो जिसपे निगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होता है उसका साइज उतना ही क्या होता है लार्ज होता है, और जिसपे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है उसका साइज क्या होता है उतना ही स्मॉल होता है, जो न्यूट्रल होते हैं वो इन बिटवीन होते हैं। इसका मतलब क्या होगा आपका, नेगेटिव जो चार्ज होता है उसकी वैल्यू क्या होती है ज़्यादा होती है किससे, न्यूट्रल से, और न्यूट्रल किससे ज़्यादा होता है आपका पॉजिटिव से। इसका मतलब क्या होगा आपका, ऑक्सीजन पे तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा, O पे -2 चार्ज, और उसके बाद F यहाँ पे -1 चार्ज हो जाएगा, उसके बाद बताइए क्या हो, देखिए उस पर कौन सा आएगा आपका, फिर आप कौन सा आता है, देखिए बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हुए थे, यहाँ पे देखिए O -2 चार, यहाँ पे F -1 चार, फिर यहाँ पे फ्लोरीन लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ फ्लोरीन लिखा हुआ है, तो याद रखिएगा कौन सा आएगा आपका ऑक्सीजन, और फिर कौन सा आएगा आपका फ्लोरीन आता है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए ऑक्सीजन -2 चार्ज है अपने, देखिए इसका क्या होगा आपका अपने पेरेंट एटम से क्या होगा ज़्यादा हो गया, फ्लोरीन -1 चार्ज है अपने पेरेंट एटम से क्या होगा यहाँ पे ज़्यादा होगा, तो एक सीक्वेंस होता है O -2 F -1 ऑक्सीजन और कौन सा होगा आपका फ्लोरीन हो जाएगा, तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा आपका, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इज द क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो 99 का क्या होगा आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, 635 स्टूडेंट ने गलत किए हैं तो ये हमारा गलत नहीं होना चाहिए था। याद रखिएगा निगेटिव चार्ज की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, फिर न्यूट्रल होता है, फिर कौन सा होता है आपका पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू उससे सब क्या होती है सबसे कम होती है, ठीक है ना। तो आइए
अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा हमारा 10 के दम में 10 क्वेश्चन जिसमें बहुत सारे बच्चों ने गलत किए हैं, तो क्यों गलत किए हैं इसको एक बार फिर से एनालिसिस करिएगा। और अगर फिर टेस्ट हो रहा है, मान लीजिए इस तरह क्वेश्चन अगर आए तो आप ऐसी गलती ना करें। नीट के एग्जाम में अगर गलती अगर हो गई तो आपका कितना समझिए +4 और -1 होता है। तो आप यहाँ पे देख यहाँ पे गलती कर दीजिए, इसको इम्प्रूव करके नीट के एग्जाम में आप अच्छे स्कोर के साथ अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाएं। तो फिर अगले टेस्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।